गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस जे ब्लॉग्स विद काउंटिंग माइंड्स। और अभी जैसा लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम त्रिपुरा में हैं। त्रिपुरा में धर्मा नगर, ये इनका होम टाउन है। और इंडिया राइड हमारी चल रही है, अभी हम त्रिपुरा में हैं। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे धर्मा नगर और इसके आसपास की कुछ जगह है। ऊनाकोटी जगह का नाम, ऊनाकोटी। वो एक्चुअली धर्मनगर में नहीं है, धर्मनगर से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। तो आज काउंटिंग माइल्स के साथ एस जे ब्लॉग्स एक्सप्लोर करेंगे त्रिपुरा। और उससे पहले, क्योंकि ये ऑल इंडिया राइड चल रही है, तो ऑब्वियसली भाई लंबी राइड है, बाल वाल थोड़े से बेकार से हो गए हैं। और इन्होंने इनका सपना था एक मेरा सपना था कि एस जे ब्लॉग्स आएंगे तो बाल कटवाऊंगा। तो हम दोनों अभी जाके पहले बाल कटवाएंगे। तुम नहाते नहीं है ना? हाँ, आके ना। फिर यहाँ कैसा बाल? नहीं, नहीं, अच्छा है, अच्छा काटते हैं। अच्छा, ना आके जा सकते हम लोग एक दूसरे के काटेंगे अभी जाके। तो ये वही बाइक है जिसको नहीं नहीं गिराना नहीं है, बहुत गिर चुका है। ये वही बाइक है जिसको हमने जंस्कार में बहुत ज्यादा ही धक्का लगाया है। तो अमित भाई, जंस्कार के बाद जब हम लोग ऐसे कारगिल में ऐसे अलग हो गए, आप कहाँ चले गए थे? मैं चला गया था लेह, और लेह से उसके बाद पेंगोंग, सियाचिन, उमलिंगला, सब किया, सब मज़ा आया। खैर, ये कैमरे पे हम लोग जंस्कार के बाद अभी मिल रहे हैं। वैसे दिल्ली में हम मिले थे, दिल्ली में जब ये वापस जा रहे थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, मैं एज अ कैब ड्राइवर गया था। ये सब वीडियो इनके चैनल पर आएगी अगले जन्म में। अभी फ़िलहाल यहाँ से हम निकलते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले मधुर भाई की बाइक जो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसको थोड़ा चेकअप वेकअप सही करवा के फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अभी काम चल रहा है। मधुर भाई की बाइक को सर्विस पे देके हम दोनों भाई आ गए हैं बाल कटवाने के लिए। और स्ट्रेंज बात ये है कि ये त्रिपुरा के हैं और इनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा बेटर ऑप्शन है या फिर क्या है। क्यों क्यों नहीं पता आपको? मेरे बाल हमेशा पापा काट के देते हैं भाई। गजब। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा काम करवा लिया, बाल दाढ़ी सेट। और टू माय सरप्राइज, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यहीं से बाल कटवाते हैं। ये देखो, ये काउंटिंग माइल्स यहीं से बाल कटवाते हैं, देखो। तो अभी भैया जब बाल कटवा लेंगे तो फिर हम कुछ खाना खाने जाएंगे, भूख लगी है बहुत तेज़। बाल दाढ़ी लेकिन बढ़िया सेट कर दिया भैया ने। तो हम दोनों ने बढ़िया बाल दाढ़ी कटवा लिया, सेट करवा लिया और हम दोनों हीरो बन गए। और इसका क्रेडिट जाता है भैया को। भैया क्या नाम है आपका? उज्ज्वल भाई ने बढ़िया काटा है भैया। बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पे अभी हम धर्मनगर के मार्केट में, और हमने लिया है कोलकाता की स्पेशल है। कोलकाता की? कोलकाता का ये वो बंगाल, मतलब इधर का भी स्पेशल ही है, दही, मिष्टी दही। मिष्टी दही अभी ये घर ले जा रहे हैं हमें, वहाँ पे खिलाएंगे। तो ये है चावल, ये है गोभी, और ये किसके दाल, इसमें तो आलू है लेकिन स्क्वाश। और ये अंडा करी, अंडा करी। ये है बैगन, और ये फिश है, और ये आंटी है अमित भैया की मम्मी। आंटी आंटी हाय कह दो। तो यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, और ये पनीर रह गया था सैलेड पे। तो हमने यहाँ पे खाना खा लिया, खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। आंटी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खाना बहुत ही अच्छा था,
और यहाँ यहाँ तक गला भरा हुआ है अभी भी। और ये अमित भाई की पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली। ये मम्मी है, मौसी है, पीछे भैया है, इधर अंकल है, इधर भैया आपका नाम क्या है? पार्थ शर्मा। हाँ, ये एक फ्रेंड है और ये हम दोनों भी फ्रेंड ही है। तो इधर बहुत मज़ा आया आके, और मुझे लगता है ये मैं पहला ऐसा हूँ इधर अमित भाई के फैमिली को भी दिखाने वाला। तो अभी क्या है कि सबको थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया खाना खा के। और अब हम लोग यहाँ से होटल जाएंगे और बाकी सब ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू अंकल। और अंकल अंकल को एक कंप्लेन था हमसे कि आप यहाँ आके क्यों नहीं रुके। वो एक्चुअली हम लोग रात में आ गए थे ना, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे हम सीधा यहीं आ जाएंगे। ठीक है। The next day. अमित भाई के घर से खाना खाने के बाद जब हम वापस आए तो रात हो गई थी, तो इसीलिए हमने कल और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। और एक दिन और हमने स्टे लिया धर्मानगर में। स्टे क्यों लिया कि हम जा पाए ऊनाकोटी। और ऊनाकोटी हम बाइक से नहीं जा रहे, अमित भाई के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास कार है, तो हम जा रहे हैं उनकी गाड़ी में ऊनाकोटी। तो ये जो ऊनाकोटी है इसको घूमने में करीब करीब 3-4 घंटे लग जाते हैं। और वहाँ पे वैसे तो आज संडे है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहाँ दुकानें कम होंगी और शायद कम ही है, तो हम एक जगह पर रुक के कुछ खाना पैक करवा रहे हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ कि आज इस ऊनाकोटी के जर्नी पे हमारे साथ कौन कौन है। हाय, मैं हूँ सजोल। हाय, मैं हूँ शुभ्रो। मैं हूँ मधुर। अमित। और हम सब जा रहे हैं ऊनाकोटी। यहाँ पे ये सारे भाई लोग अमित भाई के बचपन के दोस्त हैं और यहाँ पे खाना वाना खाते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ इनकी गाड़ी। हमने एक रैंडमली स्टॉप लिया है, ये पीछे हमारे टी गार्डन है। इस एरिया में असम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल में टी गार्डन बहुत ज़्यादा ही होता है। और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गाय चाय खा रही है। अभी हम लगभग ऊनाकोटी पहुंच गए और यहाँ दो भाई हमारा वेट कर रहे थे। भाई आपका नाम क्या? मिथुन मलाकर। और आपका? सोमरत नाथ। और ये अभी टाइम हो रहा है करीब 1:30 और ये 11 AM से वेट कर रहे हैं, तो ये सोच के थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि बहुत वेट कराया। बाकी थैंक यू भाई सो मच यार, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। आप घूम आए? नहीं, चलो फिर हम सब चलते हैं ऊनाकोटी। तो हम लोग पहुँच गए ऊनाकोटी। ऊनाकोटी का मतलब है क्या है? 1 करोड़ से एक कम। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शंकर, हर हर महादेव, वो यहाँ से काशी जा रहे थे तो अपने साथ 1 करोड़ देवी देवताओं को लेकर जा रहे थे। हाँ। तो उनके अलावा, महादेव के अलावा जो भी देवी देवताएं थे वो हमारे जैसे थे, वो लेट उठते थे। सूर्योदय के बाद जब वो सोते रह गए तो महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि आप यहीं रह जाओ। हाँ, निकलने से रात को बोल दिया था। हाँ। कि सुबह जल्दी जल्दी जाना है। नहीं तो पत्थर के बन जाओगे। नहीं तो, अच्छा बोल भी दिया था। तो ये सुबह उठे और महादेव कैलाश काशी और ये तो पत्थर बन के रह गए। पत्थर बन के तो इसलिए यहाँ पे जितना भी मूर्तियाँ है सब कुछ पत्थर का ही बना हुआ है। ओके। कहते हैं कि ये शिव जी हैं
इनके बगल में दुर्गा माँ है, इनके बगल में भी कोई एक देवी है, इधर त्रिशूल है, यहाँ आप देखोगे तो शायद कुछ है, ये पता नहीं मुझे, इधर भी एक मूर्ति है, यहाँ कछुआ है और यहाँ नंदी है, त्रिशूल भी है, यहाँ पे शिव है महादेव का मूर्ति, ठीक इसके ऊपर दुर्गा माँ का मूर्ति है, यहाँ पे सांड है, कछुए है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विपोत नाशिनी का मूर्ति, जगोदर्ती का मूर्ति, सरस्वती माँ की मूर्ति, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाए। और कुछ कुछ और मूर्तियाँ जो अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गई है, जैसे यहाँ पे, और भी एक वहाँ भी है। तो यहाँ पे पूजा होता है और यहाँ पे हर पत्थर पे कुछ ना कुछ कार्विंग किए हुए, जैसे यहाँ पे भी कोई भगवान जी हैं जो ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए, और जिस पत्थर पे कार्विंग नहीं की हुई है वहाँ पे, यहाँ पे लोगों ने आके खुद ही कर दिया है ये नहीं कर रहा है। सजल भाई, फिर तो ये लोकल्स के अमंगस्ट बहुत ज़्यादा ही होली प्लेस होगा। जी जी, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। बस यहाँ, और मुझे लगा था कि महादेव जी तो जैसे उठ गए थे तो उनका नहीं होगा इधर स्कल्पचर या कार्विंग, पर उनका भी है। हाँ, यहाँ पे है। अब दो स्टोरी है, या तो किसी ने इसको बनाया है या तो सच में ऐसा हुआ है। ये तो सुनने में आता है, हम लोगों ने भी बड़े से गुरुजनों से सीखे। हाँ, सबका मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जी 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 गणेश। तो हम लोग अभी जिस तरफ से जा रहे हैं यहाँ भी गणेश जी का मूर्ति है। अच्छा अच्छा, तो ये गणेश जी हैं, और एक ऊपर से झरना आ रहा है, अभी तो पानी कम है लेकिन मानसून में बहुत ऐसा, क्योंकि आसपास काई जमी हुई है तो मानसून में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता होगा। यहाँ पे इधर समझ में आ रहा है कि ये गणेश जी हैं, और शायद इसके लेफ्ट साइड में जो दो है वो दो हाथी है। ये सारा जो मूर्ति है मेरे हिसाब से इमेजिनेशन का खेल है, क्योंकि मुझे ऊपर में एक छोटा सा कोई जानवर भी दिख रहा है। इस साइड एक मूर्ति है जो लेडी की है, तो हो सकता है कि शायद और राइट साइड में भी एक कोई मूर्ति रहा होगा जो टूट गया होगा मे बी, क्योंकि गणेश जी की दो पत्नियाँ हैं, रिद्धि और सिद्धि, हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं जो ऐसे जो ग्रीन नहीं है, उसमें कोई ना कोई कार्विंग भगवान की गई है, तो नॉट श्योर, बट गणेश जी यहाँ हैं, इनके जस्ट ऊपर महादेव हैं। तुम्हारे पीछे महादेव है, नीचे गणेश जी के दर्शन हुए, तो एक बारी तो बनता है भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हम गणेश जी और महादेव के दर्शन करके ऊपर आ गए हैं, और ऊपर ऐसे चढ़ाई है थोड़ा, तो ऑब्वियसली लोग थक जाते हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा ये जगह के, क्योंकि आप देखो 1 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है, तो ऑब्वियसली बहुत लोकल्स के अमंगस्ट जो आते हैं उनके लिए काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट एंड होली प्लेस बन जाता है। इधर अमित भाई हैं। हाँ अमित भाई, आप बताओ कुछ। क्या बताएं, जैसे यहाँ पे तो घर के पास ही है, तो बहुत बार आए तो हर बार अच्छा ही लगता है आने में। और मेरा चैनल में तो वीडियोस 2-3 वीडियोस है सेम जगह का, तो आपका मन है तो देखना वो भी देखना। आप ठीक है, आप वो भी देखना। घूमना फिरना कर लिया, अब बारी है पिकनिक की। हम लोग यहाँ पिकनिक बनाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस है और हम लोग अपना खाना वाना लेकर आए थे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मस्त खा लेंगे। सब लोगों का जीवन में कोई ना कोई एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था कि मैं अमित भाई काउंटिंग माइल के साथ एक पिकनिक मनाऊं। यहाँ पे खाना है, यहीं पे बैठ के खाएंगे। काउंटिंग माइल से आपको कैसा लग रहा है? तो खाना यहाँ पे रेडी है और सारे लोग अपना अपना इधर खुद से सेल्फ सर्विस करके खा रहे हैं। चलो खाओ।
अभी हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया, मैं इन दोनों भाइयों से आपको मिलाता हूँ। ये है सजल भाई, ये है सुब्रो भाई। अमित भाई के दोस्त हैं, नहीं दोस्त थे, अब हमारे भी दोस्त हैं। मज़ा आया इनके साथ, बड़े बड़े स्वीट से क्यूट से हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते। भाई आपको मज़ा आया? जी बहुत 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 मज़ा आया, हमें भी बहुत मज़ा आया, मिलकर बहुत अच्छा लगा। धर्मानगर आने से पहले हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमने खाना पैक करवाया था, और ये बोलने की खाना बहुत बढ़िया था, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था खाना, और चाय कॉफ़ी भी पी लेते, मज़ा आया। मैंने यहाँ पे गाड़ी भी चलाई धर्मानगर की गलियों में, मज़ा आया। थैंक यू सो मच भैया आपने गाड़ी दी। अपनी गाड़ी देना बहुत टफ डिसीजन होता है, भैया ने वो डिसीजन लिया। आप तो चला सकते हो इसलिए, आपको थोड़ी पता दे बात। तो ऊनाकोटी से हम वापस आ गए, और अभी क्या हो रहा है कि अभी धर्मानगर के लोकल जो एक न्यूज़ पेज है उनकी उसकी पूरी टीम आई हुई है, एंड दे वांट टू टेक सम इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग, और वो पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा पर्पस है यहाँ पे। से हाय। तो चैनल का और फेसबुक का नाम भी बता देना। हमारा चैनल का नाम है धर्मानगर लाइव, और मैं नवजीत बोल रहा हूँ, यश शत्रुपा हरीश बोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू होगा। हाँ। अच्छी फीलिंग। मैं इन लोगों से बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा छोटा इंटरव्यू रखना, ताकि मेरे ना पसीने छूट रहे अभी। कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि भाई अब सारा काम हो गया, आज का दिन का बहुत ज़्यादा ही हो गया, तो अब थोड़ा खाना वाना खाते हैं। खाना यहाँ हमारा आ गया है, ये जिस होटल में हम रह रहे थे उसी का रेस्टोरेंट है। तो खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, मतलब हम लोग एज इन अमित भाई का घर यहीं पे, यहाँ से 2 किलोमीटर, लेकिन फिर भी अमित भाई जब भी हम लोग यहाँ पे हैं, जब से हम लोग साथ ही रह रहे हैं, तो हम लोग खाना खा के सो गए थे, और वीडियो भी लंबी हो गई, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में बताएंगे इंडिया राइड में हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। अमित भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है काउंटिंग माइल्स, ये त्रिपुरा से हैं, और अपनी बुलेट पे अलग अलग जगह जाके लद्दाख, ज़ंस्कार और भी सारी जगहों की वीडियो बनाते हैं। अभी इनके ज़ंस्कार सीरीज आने बाकी है, जैसा आपको पता है कि हमने ज़ंस्कार साथ में किया था, मैंने वीडियो डाल दिया, ये वीडियो थोड़ा लेट करके डालते हैं ताकि अच्छे से बना पाए। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं गाइस नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।